ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू झोला बहुत है घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं, यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए,
जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। दो गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं, मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप